हेलो एवरीवन, कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स 2023, इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स 2023, बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। तो कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों के लिए हम लोग आप लोगों को हमेशा अपडेट करके रख रहे हैं ना, सब कुछ बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिल को ठंडक देने वाली खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, मतलब फॉर्म अभी निकला नहीं है एग्जाम के लिए, जो रीएवैल्यूएशन कॉपी का जो प्रोसेस है, जो अपने कॉपीज के लिए पैसे देकर सीबीएसई में अप्लाई करा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही ठंडक करने वाली खबर है। साथ साथ आपके फॉर्म कब आउट हो रहे हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, कब भरने जाना है और कब एग्जाम होने वाला है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि अगर आपकी कॉपीज चेक हो रही है इम्प्रूवमेंट में, अगर आपको मान लो 85 मार्क्स मिला है और कॉपी चेक होते हुए देखा गया कि आपके मात्र केवल 80 मार्क्स हैं, टीचर्स ने एक्स्ट्रा मार्क्स दिया था, तो 85 से आप सीधा डाउन हो जाते थे 80 पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अगर आपके कॉपीज चेक हो रहे हैं, आपके 85 आए थे और अगर मार्क्स बढ़ा उसमें ऐड हुआ, तो सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और वही मार्क्स फाइनल किया जाएगा। कंपार्टमेंट में भी सेम है, हालांकि कंपार्टमेंट का जो आरटी लगा है उनका तो ऑलमोस्ट फायदा रहता ही है कि अगर आप 2-4 नंबर से फेल हुए रहते हैं और कॉपी चेकिंग में अप्लाई करते हैं, तो मेंटालिटी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स ये हो जाती है कि बच्चा सिर्फ 2-3 मार्क्स से फेल हो रहा है और सारे सब्जेक्ट्स में पास है और इसने एक्स्ट्रा पेनी दिया है, एक्स्ट्रा खर्च किया है फॉर कॉपी चेकिंग। और आप याद रखें कि सिर्फ एक या दो बच्चे का कॉपी चेक करना है, कोई प्रेशराइज नहीं रहता है टीचर पे। अगर टीचर काइंड हार्टेड है या दयालु है तो वो डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, घटाएगा बिल्कुल नहीं, 2-4 मार्क्स डेफिनेटली देगा। अगर मैं सिचुएशंस की बात कहूँ तो हमने पिछले साल लगभग ऑलमोस्ट 12-13 बच्चे ऐसे भी देखे थे जो सिर्फ फॉर्म मतलब कंपार्टमेंट के लिए रीचेकिंग में अप्लाई करके निकल गए थे। अब इसलिए निकले थे क्योंकि उनके मार्क्स रिक्वायरमेंट कम थे, मतलब 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स रिक्वायरमेंट था, तो टीचर्स ने अलॉट करके उन्हें पास करा दिया गया। लेकिन आप लोग एक बात याद रखें, पहले आप अपना स्कोर देखें रिजल्ट में। मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, रिजल्ट में अपना स्कोर देखो, अगर बियॉन्ड पासिंग मार्क्स है, मान लो पासिंग मार्क्स हमारा 27 है और आपको मिले मात्र केवल 10 मार्क्स, तो आप मत अप्लाई करो क्योंकि वहां तक जा पाना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि इम्प्रूवमेंट के मार्क्स बढ़ेंगे, साथ साथ अगर आपने कंपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया तो वो मार्क्स बढ़ेंगे। अब एक और अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, आपके एग्जाम आने वाले हैं, कंपार्टमेंट कंप्लीट गाइडेंस हम दे रहे हैं, क्लास 11 को गाइडेंस दे रहे हैं, 2024 बैच को भी गाइडेंस देंगे, बट आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ईच सब्जेक्ट, किसी के मैथ्स में है, किसी के एसएसटी में है, किसी के साइंस में है, आप पहले एक बार सब्जेक्ट वाइज कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स आपको इस चैनल पर बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई करना, सारे बुक्स प्रिपेयर करना, सब कुछ पढ़ना, बट कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों ने पहले भी डील किया है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इतना हम आपके लिए करेंगे, सिंस मैं आपको कंसिडर करता हूँ कि आप मेरे भाई बहन, हमेशा से अपना मान के मैं चला हूँ, आगे भी मानूंगा। अब एक्सट्रीम सिचुएशंस बच्चों ने मुझसे पूछे हैं कि भैया अगर हमारा कुछ ना हो पाया, अगर हम पास भी ना हो पाए कंपार्टमेंट, हमारे पास कुछ और ऑप्शन है? तो यस, दिस इज द चैनल विच विल गिव यू मेनी ऑप्शन। आपके पास नेशनल स्कूल ओपन स्कूलिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, NIOS है, आप इसी साल 11th में जा सकते हैं। अगर आप कंपार्टमेंट भी पास नहीं होते हैं, एक और ऑप्शन है आपके पास, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिमांड आपकी रहेगी, कमेंट करना अगर डिटेल्स चाहिए तो। तबीयत थोड़ी खराब है बट स्टिल आई एम ऑन फॉर यू। तो 20 तारीख को, आज तो 19 हो गया या कल 20 हो जाएगा या 21 तारीख को, आपको स्कूल से कॉल आएगा, डायरेक्ट कॉल आप तक रीच आउट होगा, आपको बुलाया जाएगा स्कूलों में एंड आप लोगों के फॉर्म भरेंगे स्कूल वाले, फिर आपको एक फ्रेश एडमिट कार्ड मिलेगा, एग्जाम जो कि 1 महीने बाद होने वाला है, अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो लाइफ बर्बाद होगी, आप 11th की पढ़ाई करें, कॉलेजेस वाले जो स्टूडेंट है कॉलेजेस भी चुने, आप एडमिशन ले लें, आप होल्ड पे रहेंगे, पेंडिंग पे रहेंगे क्योंकि आपके रिजल्ट में आरटी है, बट आप प्लेसमेंट बना लें ऑलरेडी, तभी जैसे आप पास आउट होंगे आप कवरेज कर लेंगे क्लास 11 को भी या ग्रेजुएशन को भी। कंप्लीट हम गाइडेंस करने वाले हैं कंपार्टमेंट के लिए, बिल्कुल भी मत डरो। 20 तारीख से आपका, आप लोग स्वयं पूछ रहे थे कि आखिर हम एग्जाम देंगे कब, फॉर्म तो भरा नहीं हमने, तो स्कूल वाले आपके फॉर्म भरवाने वाले हैं। चेहरे पर स्माइल रखो, टेंशन फ्री रहो, सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।